आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम जानते हैं क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो वेरी करेंगे तो विच गिव राइज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मीन्स विच गिव राइज टू द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसके पहले हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। फिर हमने बात की थी कि मैक्सवेल ने क्या कहा था, जब हमने मैक्सवेल इक्वेशंस की बात की थी, फोर इक्वेशंस दी थी और उन्हीं फोर इक्वेशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर फंडामेंटल इक्वेशंस माना गया है। मैक्सवेल ने क्या शो किया था, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, एंड फिर कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हमने ये पीछे इसके ऊपर डिस्कस किया था। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो वेरिएशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिसके कारण हमारे पास जो दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो ट्रांसवर्स इन नेचर होंगी। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था, मगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि वाकई भाई ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो यहां पे देखो, यहां पे एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 3D मीन थ्री डायमेंशन केस है। यहां पे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो ट्रेवल करती है अलोंग एक्स एक्सिस। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्स डायरेक्शन विच इज वेव फ्रंट, जो वेव फ्रंट होंगे वो तो इसके एक वाई और साथ में जेड प्लेन के अंदर होंगे। और जो हमारे पास ए बी सी और डी है, वेयर ए बी सी डी इज द इट्स पोर्शन एट अ टाइम टी, यहां पे जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की और जो मैग्नेटिक फील्ड की टू द लेफ्ट ऑफ ए बी सी डी, इस तरफ लेफ्ट ऑफ, ये देखिए राइट साइड में ए बी सी डी और इसके लेफ्ट क्या है, इसके लेफ्ट में ओ जी ई एफ मीन्स जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑन द लेफ्ट ऑफ ए बी सी डी विल डिपेंड अपॉन एक्स एंड टी एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन वाई एंड जेड। ठीक, एज अ वेव अंडर कंसिडरेशन, अ प्लेन वेव प्रोपोगेशन एक्स एक्स डायरेक्शन के अंदर। गॉस लॉ क्या कहती है, क्योंकि हमने मैक्सवेल की इक्वेशन को उठा के उसी की मदद से ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ना है। गॉस लॉ कहती है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो, उस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज रखा हो तो उसके कारण फ्लक्स बनेगा, उसका सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो वो बराबर होगा क्यू बन एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा था। मगर यहां पर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ये जो हमारे पास है ना ए बी सी डी ई एफ ओ जी, ये हमारे पास एक पैरेललेपिपेड है, इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इसके अक्रॉस वो जीरो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस ये जो है जो पैरेललेपिपेड है ये अपने अंदर किसी भी चार्ज को एनक्लोज करके नहीं रखेगा। यही तो गॉस थ्योरम कहती थी कि चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, मगर ये पैरेललेपिपेड है ये अपने अंदर किसी भी चार्ज को एनक्लोज करके नहीं रखेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो किसी भी चार्ज को एनक्लोज करके नहीं रखेगा तो उस समय क्या होगा, जो गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो होगा, जो सरफेस इंटीग्रल होगा डॉट डी एस, वो बराबर हो जाएगा जीरो के। क्यों? क्योंकि वो अंदर आपने कोई भी चार्ज कंटेन करके नहीं रख रहा। अब देखो कितने फेसेस बन जाएंगे, ये फ्रंट फेस, आगे वाला, दो पीछे वाला, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, टोटल बन जाएंगे आपके पास कितने, सिक्स फेस। मीन्स अगर मैं देखूं तो यहां पे लिख सकता हूं मैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, नॉट क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जो होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो जाएगा मेरे पास किसकी, ई डॉट डी एस।
अब यहां पे ई एक्स जो है वो ई डैश एक्स है, ई एक्स और ई डैश एक्स इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो हो जाएगा ए बी सी डी वाला, इस डायरेक्शन में एक्स का कंपोनेंट ई एक्स, और एक इस डायरेक्शन में ओ जी ई एफ का। सो ए बी सी डी ई डॉट ई एस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा ओ एफ ई जी, ओ एफ ई और जी सामने और इसके पीछे, इसका क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस प्लस ए डी जी और ई, ए डी जी और ई सामने वाला फेस क्या आ जाएगा ई डॉट डी एस प्लस बी सी ओ एफ, बी सी ओ एफ पीछे वाला फेस, सो ई डॉट डी एस, उसके बाद प्लस ओ सी डी और जी, ओ सी डी और जी नीचे वाला फेस, सो ई डॉट डी एस प्लस ए बी एफ ई ऊपर वाला फेस, सो ई डॉट डी एस ये बराबर है किसके, जीरो के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्ज कंटेन करके नहीं रखा हुआ। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई और जेड के अंदर डिपेंड नहीं करता, जो कंट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग फ्रॉम द फेस नॉर्मल टू वाई एंड जेड, नॉर्मल मीन्स कौन से नॉर्मल, एक आगे वाला और एक पीछे वाला, मीन्स ये वाला फेस ए बी सी डी और साथ में जी ओ ई एफ वाला कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो वाई और जेड पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओ सी डी जी है, कौन सा ओ कहाँ गया, ओ ओ सी डी और जी नीचे वाला फेस, उसका जो डी एस होगा और जो हमारे पास ऊपर वाला फेस होगा ए बी ई एफ साथ में ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ना ही तो वाई पे डिपेंड कर रही है और ना ही जेड पे, तो उसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा ऊपर वाले फेस के और नीचे वाले फेस का, तो वहां पे वो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। उसके बाद अगर हम देखें तो ए डी जी ई डॉट डी एस प्लस साथ में कौन सा बी सी ओ एफ ई डॉट डी एस, ये भी किसके बराबर होगा, जीरो। तो ये पूरी क्वेश्चन टू बन जाए, कौन सा ए डी जी ई, ये रहा ए ये रहा डी और ये रहा ई और ये रहा जी, मीन्स एक तो आप समझ लें, एक तो नीचे वाला फेस, एक ऊपर वाला फेस, एक आगे वाला फेस और एक पीछे वाला फेस, इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो यहां पे इसका जो इंटीग्रल होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन सिर्फ किसका होगा, एक इस साइड वाले फेस का और एक इसके बिल्कुल पीछे वाले फेस का, ठीक है। सो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर थर्ड सेकेंड को फर्स्ट में यूज कर दूं, सो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड इन फर्स्ट क्या मिलेगा, अगर आप गौर से देखें तो क्या टर्म हमारे पास बचेगी, कौन सी टर्म बचेगी, एक तो बचेगी ए बी सी डी ई डॉट डी एस प्लस ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस और यही बराबर है जीरो के, इसको मान लेते। बाकी वाली टर्म्स किसके बराबर हो जाएगी, जीरो, क्योंकि उनका उसके अंदर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मैं अलग अलग करता हूं, तो पहले में पहली को ले लेता हूं, पहली वाली जो इंटीग्रल है कौन सा क्या है, इंटीग्रल ऑफ ए बी सी और डी, सो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, सो ये स्केलर है, स्केलर प्रोडक्ट है, तो क्या आ जाएगा ए बी सी और डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट साथ में उस सरफेस का एरिया डी एस साथ में कॉस ऑफ थीटा। अगर आप देखो तो मैं अगर इस सरफेस की बात करूं, ये वाली सरफेस मान लो ये वाली है, ठीक है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, और अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं, इसका एरिया मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये मेरे पास ये वाली सरफेस है कौन सी ए बी सी डी, इस डायरेक्शन में समझ लो, सो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की
और अगर इसका मैं एरिया निकालूं तो मुझे या तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करूं या इसके ऊपर नॉर्मल ड्रा कर दूं ऐसे। तो ई की ओर जो हमारे पास एरिया इस प्लेन का, उसकी डायरेक्शन क्या है? सेम है, मीन्स दोनों आपस में क्या है, ये है ई की डायरेक्शन और ये उस एरिया की डायरेक्शन। तो इस केस में थीटा कितना हो जाएगा? पैरल है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस केस में जो मेरे पास इंटीग्रल हो जाएगा ए बी सी डी ई डॉट डी एस, ये बराबर हो जाएगा किसके? यह हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ए बी सी डी ई एक्स साथ में डी एस। क्यों? क्योंकि कॉस ऑफ 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। अब देखा ई एक्स तो कांस्टेंट है तो ई एक्स बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए बी सी डी और साथ में डी एस। ठीक है, डी एस का मतलब क्या हुआ? डी एस का मतलब ये हुआ मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस, कौन सा फेस? ए बी सी और डी, और वो किसके बराबर हमने लिया? अगर आप यहां गौर से देखें तो वो किसके बराबर? हमारे पास एस के बराबर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं ई एक्स साथ में क्या आ जाएगा? एस के बराबर। ठीक है, और यहां पे ये हमारे पास ए बी सी डी ई डॉट डी एस इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इस वाली टर्म की। कौन सी वाली? ये जो हमारे पास इस इक्वेशन में सेकेंड टर्म थी। सो ई डॉट डी एस ए बी सी डी वाला तो इसके बराबर हो जाएगा, अभी हमने फाइंड किया, अभी इसकी बात करते हैं। नाउ इंटीग्रल ऑफ ओ ई एफ जी ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर किसके बराबर होगा? सो डॉट प्रोडक्ट और तो कास का यूज करेंगे। सो ई कौन सा आ जाएगा? ई इस डायरेक्शन में ई एक्स डैश यहां पर रिप्रेजेंट किया है, साथ में आ जाएगा डी एस कॉस ऑफ। अब देखो, ठीक है, सो यहां पे देखिए, अब यहां पे निकालना है कि थीटा किसके बराबर होगा। अब गौर से देखिए, मैंने कहा ये डायरेक्शन है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ये फेस कंसीडर करूं यहां पे इसका ये वाला, तो एरिया ये हो जाएगा इसका बाहर की तरफ नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, सो दोनों आपस में एंटी पैरेलल, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मीन्स ई एक्स डैश इज एंटी पैरेलल टू डी एस, डी एस उसका छोटा सा सरफेस एरिया हम कंसिडर करेंगे। सो ओ ई एफ जी ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास ई एक्स डैश डी एस कॉस ऑफ 180 डिग्री, और इसी को हम लिखेंगे, ई एक्स डैश को बाहर निकाल देते हैं। सो माइनस मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? साथ ऐसे लिख देते हैं, ये आ जाएगा डी एक्स क्योंकि कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 1 के बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस ई एक्स डैश मल्टीप्लाई एरिया ऑफ फेस, कौन सा फेस है मेरे पास? ओ ई एफ और जी, और यही बराबर होगा। सो हम कहां थे? माइनस ई एक्स डैश इंटू एरिया फेस, कौन सा? ओ ई एफ जी, मीन्स ओ ई एफ और जी का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? फिफ्थ इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ये जो ई एक्स है, ये ई एक्स एंड ई डैश एक्स है, ये है क्या? एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द फेस, कौन सा? ए बी सी डी ई एक्स है, और ओ जी ई एफ कौन सा है? ई डैश एक्स है। अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या कर दूं? मीन्स सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन नंबर थर्ड, तो मुझे क्या मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। सो क्या मिलेगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह मीन्स ई डॉट डी एस, इस वाले फेस की जगह क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा ई एक्स साथ में एक्स एस, सो ई डैश एक्स साथ में एस किसके बराबर हो जाएगा? 0। एस को बाहर निकाल देते हैं,
तो क्या बच जाएगा, ई एक्स माइनस ई डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें यह भी पता है कि सरफेस एरिया, क्या पता है कि सरफेस एरिया डज नॉट इक्वल टू जीरो, सो देयर फोर क्या हो जाएगा, ई एक्स माइनस ई डॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई एक्स बराबर होगा किसके, ई डैश एक्स के। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन क्या बताती है, मीन्स ई एक्स इज इक्वल टू ई डैश एक्स इक्वेशन क्या बताती है कि जो वैल्यू है एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट चेंज विद टाइम। गौर से सुनना क्या कह रहा है ये इक्वेशन, क्या बता रही है कि जो एक्स कंपोनेंट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, या यूं कहें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस इज स्टैटिक। सिंस द स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट प्रोपोगेट द वेव, अगर ऐसा हो जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट नहीं कर पाएगा, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज जीरो। उस केस में क्या हो जाएगा कि ई डैश एक्स इज इक्वल टू ई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स के। ठीक है, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, सिंस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होंगे किसकी डायरेक्शन में, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स। तो इससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो नेचर होता है वो ट्रांसफर इन नेचर होता है, मीन्स ट्रांसफर वेव की तरह होता है, ट्रांसवर्स नेचर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है जब वो टाइम के साथ वेरी करेंगी तो ही क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन होगी, मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स होंगी, और वो किस नेचर की होंगी, ट्रांसवर्स नेचर की, क्योंकि उस केस में ई डॉट एक्स जो है, ई डॉट एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, ई एक्स के, और यही बराबर होगा किसके, जीरो के बराबर। ठीक है, सो कल एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर जो टॉपिक पर हमने पीछे पढ़े हैं तो उसके बेसिस पर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सो डिस्कस करते हैं, हमारे पास एक न्यूमेरिकल है तो इसके अंदर हमने क्या फाइंड करना है, क्या गिवन दिया है। हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, मींस हमने क्या करना है, दो कैपेसिटर के बीच की जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 वोल्टेज पर सेकेंड। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, ये जैसे हमने पीछे पढ़ा ये एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, इसके बीच की जो वोल्टेज है वो चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 वोल्ट पर सेकेंड। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट करंट इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो फाइंड करना है। अगर उस कैपेसिटर का मीन्स उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस दिया गया हो कितना, 2 माइक्रो फैरड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए गिवन हमारे पास क्या है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज किसकी, वोल्टेज बिटवीन बिटवीन द प्लेट्स प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज डीवी अपॉन डीटी कितना दिया है, 10 वोल्ट पर सेकेंड, ये एक चीज गिवन दी है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर हमें दिया है 2 माइक्रोफेरड, इसको फेरड में कन्वर्ट कर देंगे सो 2 × 10⁻⁶ फेरड। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करनी है हमें क्या, मींस हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसको हमने आईडी से रिप्रेजेंट किया था जब हमने पीछे इसको डिस्कस किया था।
आईडी किसके बराबर होती थी, हमने निकाली थी जब हमने मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ किसकी निकाली थी, एम्पेयर सर्किट लॉ की, वो बराबर था एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी, मीन्स परमिटिविटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है। सो इस केस में आईडी किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी टी साथ में हो जाएगा ई ए का। तो ई किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है किसके, पोटेंशियल डिवाइडेड बाई डी के, वे डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। सो देयरफॉर आईडी किसके बराबर होगा, आईडी बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, ई की जगह वी अपॉन डी साथ में क्या आ जाएगा, एरिया। सो आईडी किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी साथ में डी वी अपॉन डी टी के। अब देखिए, बट लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बराबर होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सो उस केस में आई डी किसके बराबर होगा, सी साथ में डी वी अपॉन डी टी के। आई डी इज इक्वल टू सी, देखिए सी हमें गिवन दिया गया है, कितना है, 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज दिया हमारे पास 10, तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁵ एम्पीयर के। सो इसको हम लिख सकते हैं आई डी बराबर होगा 20 μA। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लेट्स के बीच में जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वो बराबर होगी 20 μA के, ठीक है। सो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो क्या कहता है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू सर्कुलर प्लेट, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके पास दो सर्कुलर प्लेट है और दोनों का एरिया कितना है दोनों का रेडियस कितना है 5 cm, दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 3 mm है। कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है एक एक्सटर्नल सोर्स के साथ और उसको कांस्टेंट करंट दी जाती है, कितने, 6 एम्पीयर की। सबसे पहले फाइंड करना कि उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा और उसकी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किस रेट से चेंज होगा, लास्ट में हमने निकालनी है क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। सो सॉल्यूशन अगर हम इसका देखें, गिवन क्या है, आर इज इक्वल टू 5 cm और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10⁻²⁰ मीटर के बराबर। दोनों के बीच की सेपरेशन है 3 mm, सो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 10⁻³⁰ मीटर। आई दिया गया है 6 एम्पीयर। तो ए कैपेसिटेंस किसके बराबर होगा, कैपेसिटेंस बराबर होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी के। एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन नॉट देखिए एरिया, अब वो सर्कुलर प्लेट है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी के। सो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹² मल्टीप्लाई बाई पाई है तो क्या आ जाएगा 3.14, तो रेडियस दिया है कितना 5 × 10⁻²² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेपरेशन कितने दिया है 3 × 10⁻³। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा वो आएगा 23.15 pF, ठीक, ये आएगा कैपेसिटर। बी पार देखते हैं, अब देखिए आई इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, टेनिस करंट, ठीक। लेकिन कैपेसिटर क्या होता है, ये कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सिंपली कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर बराबर होता है सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी के। दिस इंप्लाइज क्यू बराबर हो जाएगा किसके, सी वी के। देयरफॉर आई किसके बराबर होगा, डी अपॉन डी टी साथ में क्या आ जाएगा, सी वी। आई इज इक्वल टू सी को बाहर निकाल देते हैं तो डी वी अपॉन
डी टी, दिस इम्प्लाइज डी वी अपॉन डी टी जो है बराबर हो जाएगा आई अपॉन सी के। आई की वैल्यू कितनी है 6, और कैपेसिटेंस अभी निकाला है 3.23.15 इंटू 10 की पावर -12, इसको फैरड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आई आपका किसके बराबर होगा। सिंपली अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं, सो आई अपॉन सी बराबर हो गया 6 डिवाइडेड बाय 23.15 इंटू 10 की पावर -12 या बाय 23.15 पीको फैरड था, तो उसको फैरड में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा -12। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.26 इंटू 10 की पावर -12 वी और साथ में पर सेकेंड। अब हमारे पास डी वी अपॉन मीन्स जो सेकेंड था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, वो हमारे पास इसके बराबर हो जाएगा। आई डी जो सी पार्ट है हमने क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट करंट निकालनी है। सो डिस्प्लेसमेंट करंट अभी हमने, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अभी मैंने पहला निकाला था न्यूमेरिकल्स, तो आई डी बराबर हो जाएगा किसके, आई डी बराबर हो जाएगा किसके जी, एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। सो आई डी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट, फाई किसके बराबर है ई ए के, सो ये आ जाएगा ई ए। सो यहां से क्या आ जाएगा, ई किसके बराबर है, ई बराबर है वी अपॉन डी के। सो यहां से देखिए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी वी अपॉन डी, साथ में ए आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सो डी वी अपॉन क्या आ जाएगा डी टी। अब ये वाली टर्म किसके बराबर है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी, साथ में क्या आ जाएगा डी वी अपॉन डी टी। सो आई डी इज इक्वल टू सी, अभी हमने निकाला था सी निकाला था ये, तो सी की वैल्यू पुट कर देते हैं 23.15 इंटू 10 की पावर -12 और डी वी अपॉन डी टी अभी निकाला है 0.26 इंटू 10 की पावर, सॉरी यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए भाई, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस वाला, सो 12 आ जाएगा, ठीक है। सो यहां से आई डी आपका किसके बराबर हो जाएगा 6.02 एम्पीयर के। सो ये निकल जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। होप ये दो न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे होंगे। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर भी हम एक एक दो दो न्यूमेरिकल उस जो टॉपिक के साथ साथ बनाते जाएंगे। सो थैंक यू।